सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एसी टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो एसी है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करती है, क्योंकि यूनिट से ही हम कन्वर्ट करते हैं जो उसका बिल आता है उसमें। तो ये आपको मालूम होना चाहिए आपकी जो एसी है या तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसकी यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करें। जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखिए और अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये यूनिट कैसे निकाली जाती है और इसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा वन यूनिट मतलब क्या। तो एक यूनिट मतलब अगर आप 1000 वैट या 1 किलोवाट पावर यूज़ करते हैं एक घंटे के लिए, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होगी वो होगी एक यूनिट। तो चलिए, अभी हमें ये तो पता हो गया कि एक यूनिट मतलब क्या। अब हम पता लगाएंगे जो हमारी एसी है वो एक घंटे में कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करती है। आप सब ने इस तरह के स्टिकर हर एक अप्लाइंसेस के मेन पैनल पर देखे होंगे। तो ये जो स्टिकर है ये है एनर्जी इफ़िशेंसी स्टिकर्स है। इसमें आपको जो पावर कंजप्शन है वो दी हुई होती है हर एक यूनिट की, और वो कितने स्टार्स का यूनिट है वो दिया होता है। तो इस केस में ये जो 2 टन का एसी है इसका जो पावर कंजप्शन हमें दिया हुआ है वो है 1718 वैट। तो ये जो हमें मालूम है, पहले हमने देखा कि 1 यूनिट इक्वल टू 1000 वैट पर आवर, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे 1718 अपॉन 1000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1.7 यूनिट पर आवर। तो जो हमारा एसी है अगर ये हम चालू रखेंगे एक घंटे के लिए और इसका कंप्रेसर जो है कंटिन्यूस एक घंटा चलता है, तो आपको जो यूनिट आपके बिल में आने वाले हैं वो होगा 1.7 यूनिट पर आवर का। अगर आपको वन डे का निकलना है तो अगर आप 8 घंटे यूज़ करते हैं तो उसमें से 6 घंटे ले लीजिए, क्योंकि 6 घंटे ही आपका जो कंप्रेसर है वो चालू रहता है, बाकी के टाइम पर खाली ब्लोअर चलता है। तो आप 6 घंटे से कर दीजिए तो अप्रॉक्स आपका जो वन डे का है वो आ जाएगा, और फिर वो वन डे के आने के बाद उसको आप मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो आपका 1 मंथ का आ जाएगा जो यूनिट है वो। तो ये खाली होगा आपका जो एसी का यूनिट है वो। इसी तरह से आप बाकी जो आपके घर के होम अप्लाइंसेस है उनके भी जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।